Today I'm going to start first chapter of second term, that is electoral politics. Only outlines I'm going to tell, no need to write. Outlines ki knowledge hogi, so you can do this chapter in a easy way. First of all, what is election? Lesson ka naam hai electoral politics. Elections hote kya? Elections वैसे भी पंजाब में आने वाले हैं. Be aware. अभी जो जो हो रहा है उनको आपने प्रॉपर अपना अवेयर रहना, न्यूज सुनो, इन दिनों प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगी थ्रू न्यूज के कैसे पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स लाती हैं, कैसे सब काम होता है, कैसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाए जाते हैं, क्या क्या रोल पॉलिटिकल पार्टीज प्ले करती हैं, कौन जीतता है, कौन ओपोजिशन होता है. आपको ये प्रॉपर नॉलेज आपको लर्न ही नहीं करना पड़ना ये चैप्टर अगर आप ड्यूरिंग इलेक्शन अवेयर रहे. ठीक है, तो वट इज इलेक्शन? Process by which people, elect their representatives is called election. And in India, elections are held after every 5 years. हर 5 साल के बाद इंडिया में elections होते हैं. ठीक है, elections 3 तरह के होते हैं. General elections, by elections, mid-term elections. अभी जो होने हैं वो जनरल इलेक्शंस है 5 ईयर्स के बाद. पंजाब के जो होने हमेशा 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होने ही होने हैं, चाहे कोरोना पीरियड आ जाए चाहे कुछ है. ये नहीं कहा जा सकेगा कि इलेक्शंस नहीं होने बिकॉज प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं. इलेक्शंस प्रॉपर टाइम पे होने ही होते हैं. आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शंस होते ही हैं. बाई तब होते हैं अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाए, कोई रिजाइन कर जाए, कोई फॉरेन चला जाए, उसकी सीट वेकेंट है, तो ऐसे कंडीशन में बाई इलेक्शंस करवाए जाते हैं. बाई इलेक्शन में जो कैंडिडेट आता है ओनली फॉर रिमेनिंग पीरियड, अगर पार्टी के पास जितना टाइम पीरियड बचा उतने पीरियड के लिए वो कैंडिडेट पावर में आ जाता है. और बाई इलेक्शंस इनको गवर्नमेंट को, पोलिटिकल पार्टी जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही होती है उसे विद इन 6 ईयर वो वेकेंट सीट को फिल करना होता है. विद इन सिक्स मंथ्स वेकेंट सीट को फिल करना होता है रूलिंग पार्टी को. ठीक है, नेक्स्ट एक तो हो गया ये बाई इलेक्शंस. मिड टर्म इलेक्शन अगर पूरी की पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाए तो उस कंडीशन में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं. मिड टर्म इलेक्शंस फुल टेन्योर के लिए होते हैं. जो भी गवर्नमेंट आती है वो फुल टेन्योर के लिए आती है, मीन्स 5 साल के लिए आती है. बाई में कैंडिडेट सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए आता है. अगर पार्टी के पास 2 साल बचे हैं तो कैंडिडेट ओनली फॉर 2 ईयर्स. मिड टर्म में वो फुल टेन्योर के लिए पावर में आते हैं. तो इस तरह के 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अब आपको इस लेसन में पढ़ना है कि इलेक्शंस करवाए कैसे जाते हैं, कौन करवाता है, कैसे पर्सन वोट डालने जाते हैं इंडिया में. सबसे पहले तो देयर इज एन इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द इलेक्शंस इन इंडिया. इलेक्शन कमीशन का टेन्योर 6 ईयर्स होता है. समटाइम्स वैसे तो इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, समटाइम्स 2 भी होते हैं. वैसे 3, 1 इज कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, 2 आर हिज हेल्पर्स. अभी मैं 10th में जो लेसन करवा रही थी ना पॉलिटिकल पार्टी, तो उसमें मैंने बच्चों को पूछा you have done this chapter electoral politics in 9th and you have done this topic in 9th, so leave it. So aapko bhi aise kaha jana, sun lo. Elections are jo election commission 3 members, 1 is commissioner, 2 are is helpers. Tenure 6 years. Election commission ka tenure maine bola hai 3 years. इसके लिए आर्टिकल बहुत इजी है. कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? 324. अगर ऐसे लर्न करोगे ना 324 तो कितना इजी है लर्न करना, ये कभी भूलना ही नहीं है. कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन्ड है? दैट इज इन आर्टिकल 324. 324 लर्न, ऐसे वर्ड बोलो अपने आप ये याद रहेगा. 324 मत लिख देना, मैंने बोला 324. तो कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन्ड है ना, पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है. ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन करता क्या क्या? सबसे पहले तो डेट ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर की जाती है. डेट ऑफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन. फिर वोटर्स लिस्ट इज टू बी रिवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन. वोटर्स लिस्ट रिवाइज की जाती है.
name of new voters are added and names of bogus voters are deleted. अब न्यू वोटर्स, जैसे कि कल को आप 18 के हो जाओगे तो आप सारे न्यू वोटर्स बन जाओगे, तो आपके नाम उस वोटर्स लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बोगस वोटर्स, फॉर एग्जांपल किसी की दो दो वोट्स बन गई कोई एक एरिया में, जैसे पहले कोई पर्सन जेपी नगर में रह रहा है, वो शिफ्ट होके चला गया कहीं और, तो उसकी वोट दोनों तरफ नहीं हो सकती, वो फिर एक साइड से कटवानी पड़ती है। फिर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी वोट वोटर लिस्ट में से नाम कट जाता है। कोई फॉरेन चला जाए, उसे वहां की सिटीजनशिप मिल जाए, तो उसका इधर से नाम, क्योंकि दो दो कंट्रीज की तो आप रख नहीं सकते ना सिटीजनशिप, तो इंडिया में से फिर नाम कटता है। तो इस वजह से वो नेम सारे डिलीट होते हैं, वो सारा सर्वे होता है। आपके घरों में आते होंगे, गवर्नमेंट स्कूल के मोस्टली टीचर्स ये सर्वे करते हैं, घर घर जाके वो नोट करते हैं कि कितने इस घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने बच्चे, ये सब प्रॉपर चेकअप होता है। तो वो वोटर्स लिस्ट इज टू बी रिवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, नेम ऑफ न्यू वोटर्स आर एडेड एंड नेम्स ऑफ बोगस वोटर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। तो एक ये करने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसेस डिक्लेयर करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसेस कैंडिडेट को सिलेक्ट पार्टी करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं करता, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करती है। दैट इज द वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो इलेक्शन कमीशन का वर्क नहीं होता कैंडिडेट को पावर में लाना, नो, वो पार्टी करती है अपना कैंडिडेट, पार्टी खुद सिलेक्ट करती है। तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसेस डिक्लेयर करता है। नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर एग्जांपल ये रूम जलंधर सिटी है, ठीक है। अब जलंधर की इलेक्शन जैसे मेयर वाली, ठीक है, वो होनी है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाना है, कॉन्स्टिट्यूएंसेस में बांटा जाना है। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हमारे पंजाब के इलेक्शंस होने हैं, ठीक है, तो पंजाब में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कंट्री की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कंट्री की बात करें तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी कंट्री की, अगर लोकसभा के इलेक्शन होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाले इलेक्शन होंगे, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर हम गोवा की बात करें तो 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि वो सबसे छोटी स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर स्टेट की डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ द स्टेट, डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है और कितने वहां पे उसका एरिया कितना है। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हम कहें कि उत्तर प्रदेश, वहां पे सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कौन डिक्लेयर करता है, इलेक्शन कमीशन। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ स्टेट इलेक्शन, क्योंकि मैं स्टेट की बात करूं, अगर मैं कंट्री की बोलूंगी तो कंट्री में दोनों बोल के दिखाती हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ स्टेट इलेक्शन, स्टेट इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, अगर पंजाब की है। अगर मैं कहूँ फॉर द पर्पज ऑफ कंट्री इलेक्शन, countries divided into smaller parts known as parliamentary constituencies, उनको कहेंगे parliamentary constituencies, ठीक है। अभी assembly constituencies है क्योंकि हमारी state की elections आ रही हैं, तो book में आपने जैसे मर्जी लिखो, आप चाहे country का mention करो चाहे आप state का mention करो, वहां पे कुछ नहीं लिखा होना, simple बताना है what is constituency, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। For the purpose of election, state और countries दोनों ऐसे लिख दो, state और countries divided into smaller parts, that is known as constituency. और हर constituency में से political party अपने candidate select करती है, तो इस वजह से आप बता सकते हो। फिर election commission constituencies declare करता है। election commission जो होता है give requisition to the recognition to the parties, recognize the parties as national and regional. कौन recognize करता है parties को, national and regional election commission, कि ये वाली पार्टी नेशनल है, ये वाली रीजनल है। फॉर एग्जांपल श्रोमणी अकाली दल, दैट इज रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी नेशनलिस्ट। आपको पहले मैं नेशनलिस्ट के नाम बोल देती हूँ, फिर रीजनल तो आपकी कितनी है। मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, मोर देन 700 इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर हम चाइना, आप पढ़ चुके हो, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है ना, कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आती है हर बार, वन पार्टी सिस्टम इज देयर इन चाइना, देखो कितना फर्क है। और यूके एंड यूएसए की बात करें तो बाई पार्टी सिस्टम है, टू पार्टीज मेन है,
दो में ही पावर रहती है, बाकी पार्टीज को चांस नहीं दिया जाता। वेयर एज इन इंडिया वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट भी तो बनती है। कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में ना आए, मेजोरिटी शो ना कर पाए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। अब अपने आप सोचो, अगर किसी पार्टी को 250 सीट्स मिली तो वो तो मेजोरिटी में आई नहीं, क्योंकि उसे तो हाफ से ज्यादा चाहिए थी सीट्स, तो उसे तो हाफ से ज्यादा मिली नहीं, पर वो विनर है, ठीक है, वो नंबर वन पे है। तो ऐसी कंडीशन में इस पार्टी को दूसरी पार्टीज के साथ हैंड ज्वाइन करके अपना एक कोलिशन बनाना पड़ेगा, हैंड ज्वाइन करके सीट्स फिर उसको अपनी और बढ़ाने के लिए दूसरी पार्टीज के साथ हैंड ज्वाइन करना और मेजोरिटी शो करनी पड़ती है। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। कांग्रेस के पीरियड में, जब कांग्रेस थी बीजेपी से पहले, तो इन इंडिया वी वर हैविंग कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स। कोलिशन गवर्नमेंट रही है, कितनी बार बन चुकी है इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट, बट एट प्रेजेंट इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने आप ही इतनी सीट्स लेके गई है कि उन्हें दूसरी पार्टीज के साथ हैंड ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और एट प्रेजेंट तो ये भी बताऊं कि यहाँ पे ओपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि ओपोजिशन को भी कुछ उसके लिए भी सीट्स होती हैं, किसको इतनी सीट्स चाहिए। सेकंड कॉम्पिटिटर जो होती है वो बनती है ओपोजिशन पार्टी। तो हमारी कंट्री में तो ओपोजिशन भी अपना काम कर रही है, ओपोजिशन रूलिंग पे नजर रखती है हमारी कंट्री में, आप कर चुके हो इसको भी, है ना। तो इट मीन्स इलेक्शन कमीशन गिव रेकोग्निशन टू द पार्टीज एज रीजनल एंड नेशनल। एट प्रेजेंट इन इंडिया नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज 7 है। एक तो होगी कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गई 2 पार्ट्स में 1999 में, तो बन गई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसी में से कोर पार्टी बन गई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। आप महाराष्ट्र में ये पार्टी पॉपुलर है, शरद पवार नेम सुना होगा महाराष्ट्र में, ये उसकी पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। फर्क क्या दोनों में? इंडियन नेशनल कांग्रेस हम कहेंगे कि सोनिया गांधी वाली पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वो कहती है कि किसी भी फॉरेन ओरिजिन के पर्सन को पावर में नहीं लाना। फॉर एग्जाम्पल सोनिया गांधी इटली की है, तो वो कहते हैं इटालियन बोर्न पर्सन कभी भी इंडिया की हायर पोजीशन पे नहीं आ सकता, तभी तो सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई। कि इटालियन उन्होंने ये कहा कि फॉरेन ओरिजिन का पर्सन कभी भी इंडिया में पावर में नहीं आएगा, कभी भी इंडिया में उसे हायर पोजीशन नहीं दी जाएगी। हायर पोजीशन only for Indian born citizens. Nationalist Congress party ने बोला कि higher position should be given in India only to Indian born citizens. सिर्फ Indian born citizens को मिलेगी, ना कि foreign origin के किसी person को, इसलिए उसमें split हो गया। एक तो ये दो parties हो गई, Indian National Congress, Nationalist Congress party। फिर CPI टूटी दो parts में, तो बन गई CPIM। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। आप लेनिन पढ़ चुके हो ना, लेनिन आपको याद है वर्कर्स एंड पीजेंट्स के लिए लड़ता रहा, कार्ल मार्क्स भी वर्कर्स एंड पीजेंट्स के लिए लड़ा, तो मींस ये पार्टी उसके व्यूज को लेकर चलती है, लेनिन एंड कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो ये वर्कर्स एंड पीजेंट्स के लिए लड़ती है। फिर BSP सुनी होगी, बहुजन समाज पार्टी, ये दलित के लिए लड़ती है, ठीक है। फिर आपने सुनी होगी BJP, जो एट प्रेजेंट इज रूलिंग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दैट इज रूलिंग पार्टी इन इंडिया। फिर तृणमूल कांग्रेस, जो कि अभी बुक्स में नहीं आई बट नेशनलिस्ट पार्टी बन चुकी है, ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी है, ये नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल वाली साइड नेशनलिस्ट कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है तृणमूल कांग्रेस। तो ये नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, बाकी सारी आपकी रीजनल हैं, जैसे कि DMK, अन्ना DMK, तेलुगु देशम पार्टी, लोकदल, ये शिवसेना और श्रोमणी अकाली दल, ये सारी रीजनल हैं। तो इलेक्शन कमीशन रेकोगनाइज पार्टीज एज नेशनल एंड रीजनल। इलेक्शन कमीशन चेक द गवर्नमेंट मशीनरी आल्सो बिफोर इलेक्शन। अब गवर्नमेंट मशीनरी में क्या आएगा? EVM आएगी, EVM की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एंड साथ में गवर्नमेंट व्हीकल्स का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा ड्यूरिंग कैंपेनिंग, क्योंकि हर पार्टी अपनी कैंपेनिंग करती है। कैंपेनिंग पता है ना, कैंपेनिंग तो देखी होगी पार्टीज करती हैं अपने, कैंपेनिंग इलेक्शन से पहले पार्टीज अपनी कैंपेनिंग करती हैं, तो उस कैंपेनिंग में कई वो गवर्नमेंट की
आप कह सकते हो कि व्हीकल्स तो नहीं यूज कर रहे, ओ सॉरी, गवर्नमेंट के व्हीकल्स तो नहीं यूज कर रहे, गवर्नमेंट का पेट्रोल तो नहीं यूज कर रहे, मीन्स कैंडिडेट्स को अपने व्हीकल्स, अपना ही पेट्रोल यूज करना होता है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शन चेक करता है कि गवर्नमेंट मशीनरी तो नहीं मिसयूज हो रही। नेक्स्ट, रिगिंग तो नहीं हो रही। मैंने रिगिंग वर्ड बोला, RIGGING, रिगिंग। रिगिंग का मतलब है फ्रॉड, कि कहीं पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा, बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो रही। लॉयन ऑफ पंजाब मूवी देख लो दलजीत की, इसमें बूथ कैप्चरिंग सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। आप ये मूवी देख लेना, काफी नॉलेज मिलेगी इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो कैसे ये सारा काम इलेक्शन कमीशन भी ड्यूरिंग इलेक्शंस, बिफोर इलेक्शन, ये सब चेक करता है। रिगिंग तो नहीं हो रही, बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो रही, तो ये सब। अब वोटर्स क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सबसे पहले तो अपना मैनिफेस्टो इशू करती है। नो, व्हाट इज मैनिफेस्टो? इट इज अ बुकलेट इन विच पार्टी गिव इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड गिव चॉइस टू द वोटर्स। बिफोर इलेक्शन हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो इशू करती है। उस मैनिफेस्टो में वो पार्टी अपने पॉलिसीज प्रोग्राम्स देती है। पार्टी गिव चॉइस टू द वोटर्स, वोटर्स कास्ट देयर वोट इन द फेवर ऑफ दैट पार्टी हुज मैनिफेस्टो दे थिंक इज बेटर। वोटर उसी की फेवर में वोट डालते हैं जिसका मैनिफेस्टो उन्हें बेटर लगता है। इट मीन्स पार्टी गिव चॉइस टू द वोटर्स, मैनिफेस्टो इशू करती है। अब पार्टी कैंपेनिंग भी करती है, बिफोर इलेक्शन कैंपेनिंग होती है। कैंपेनिंग इलेक्शन डेट से 2 डेज पहले बंद हो जाती है। 48 आवर्स पहले कैंपेनिंग करने का राइट किसी पार्टी के पास नहीं होता। दिस इज चेक्ड बाय इलेक्शन कमीशन। कैंपेनिंग 48 आवर्स पहले बंद हो जाती है, अपना प्रचार नहीं कर पाते, रिलीजियस प्लेस नहीं यूज कर पाते कैंडिडेट्स। कभी देखा है मंदिरों में या गुरुद्वारों में पार्टी के कैंडिडेट्स जाते हैं और अपनी लेक्चर दें, स्पीचेस दें? नो, इसके लिए रिलीजियस प्लेसेस यूज ही नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स जो होते हैं, दे कांट डिमांड वोट इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट। कभी भी कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते। सेक्रेट सिंबल्स नहीं यूज कर सकते ड्यूरिंग इलेक्शंस। हमेशा आपने ये नोट किया होगा, ऐसा नहीं होता। अब इलेक्शंस जब आते हैं तो वोटर्स वोट डालने जाते हैं। जिस दिन डेट होती है इलेक्शन वाली, तो वोटर वोट डालने जाते हैं जहां पे उनके बूथ बने होते हैं। आपका स्कूल भी बूथ बनता है उन दिनों, ठीक है, पोलिंग बूथ ये भी होता है, हमारा स्कूल भी होता है। वोटर्स वोट डालने जाते हैं। अब वोटिंग के बाद, वोटिंग इन इंडिया इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट मीन्स नो वन एक्सेप्ट वोटर नोज इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड इज वोट। वोटर के बिना किसी को नहीं पता कि किसकी फेवर में वोट डाला गया। इन इंडिया वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। पेपर में 1 मार्क में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय सीक्रेट बैलेट? नो वन एक्सेप्ट वोटर नोज इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड इज वोट। तो इंडिया में वोटिंग सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। वोटिंग हो गई, आफ्टर वोटिंग जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं उन्हें सील किया जाता है और उन्हें भेजा जाता है काउंटिंग सेंटर्स। काउंटिंग सेंटर्स में जाके वो भी डेट इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है कि कब इसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है। दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन कि इस दिन वोटिंग होनी है, इस दिन काउंटिंग होनी है, इस दिन साथ साथ रिजल्ट डिक्लेयर होना है वो सारा। अब वो जब काउंटिंग होती है ना काउंटिंग सेंटर्स में, पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स, अब कैंडिडेट हर जगह जा नहीं सकते, तो दे सेंड देयर एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ द पार्टीज। हर पार्टी के एजेंट्स वहां पे होते हैं, यहाँ कहीं किसी जगह पे कैंडिडेट खुद भी होते हैं, एजेंट्स होते हैं। तो उनके सामने, उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं वहां पे, यहाँ एजेंट्स होते हैं, उनके सामने वोटिंग जो काउंटिंग की जाती है ताकि कोई चीटिंग ना हो। हर पार्टी के अपने अपने एजेंट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं ताकि चीटिंग ना हो ड्यूरिंग काउंटिंग। एंड कैंडिडेट जिसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं, दैट इज डिक्लेयर्ड विनर, उसे विनर डिक्लेयर किया जाता है। अब अगर कोई पर्सन अपने एरिया में लेके वोटिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि मेरे एरिया में ना रिगिंग हुई थी ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, तो वो पर्सन कैंडिडेट
can file up a petition in the court. Person can file up a petition in the court. उसके एरिया में ड्यूरिंग इलेक्शन चीटिंग हुई है, मिसयूज किया पावर रूलिंग पार्टी ने अपनी, तो उसके एरिया में प्रॉब्लम हुई है, तो कोर्ट प्रॉपर चेकअप करती है कि सच में वहां पे रिगिंग हुई। अगर तो ऐसा होता तो उस एरिया का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता एंड इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड दैट इलेक्शन इन दैट एरिया वुड बी हेल्ड अगेन। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन दोबारा होते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर वहां से किसी भी पार्टी के कैंडिडेट ने या फिर पार्टी के मेंबर ने पटिशन फाइल अप कर दिया हो कि मेरे एरिया में प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर से नहीं हुए। इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, फ्री एंड फेयर मैनर से होते हैं। कोई इंडिया, अभी मैंने जितने पॉइंट्स बोले हैं तो आपको वहां से क्लियर ही होगा कि इलेक्शन कमीशन कैसे कैसे चेक करता है। इंडिया में वन पर्सन वन वोट वैल्यू है ना, एक हर एक के वोट की वैल्यू सेम है, तो ये इलेक्शन को फ्री एंड फेयर ही बनाता है। फिर हम कहेंगे इंडिया में इलेक्शंस आफ्टर 5 इयर्स होने ही होते हैं, तो ये भी इसको फ्री एंड फेयर बनाता है। कैंडिडेट कास्ट रिलीजन को यूज नहीं कर सकते वाइल कैंपेनिंग, सेक्रेट सिंबल्स नहीं यूज कर सकते वाइल कैंपेनिंग। सो इन दिस वे वी कैन से इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर। तो ये तो मैंने अभी सारा बोला कि इलेक्शंस होते कैसे हैं, क्या क्या किया जाता है उससे पहले। अब फिर भी हमारे इलेक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं। दो इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, बट स्टिल देयर आर सो मेनी चैलेंजेस फेस्ड बाय अवर इलेक्शन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव। हमारी कंट्री में इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव, 6,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा ड्यूरिंग इलेक्शंस हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, गवर्नमेंट इलेक्शंस ना करवाए एंड गवर्नमेंट उस खर्चे को लगा दे डेवलपमेंट पे, इज इट राइट? ऐसा करना चाहिए, डेवलपमेंट पे लगा देना चाहिए, ना करे इलेक्शंस? जिसने यस बोला वो हैंड्स अप करो, हैंड्स अप करो यस वाले बच्चे। नो वन, वेरी गुड, देन आपको पूरी नॉलेज है। नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कितना भी खर्चा हो, इलेक्शंस आर मस्ट। अगर गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ गेम पे इतना खर्चा कर सकती है, नियर अबाउट 10 करोड़, है ना, 10,000 करोड़, अगर गवर्नमेंट सबमरीन खरीदने के लिए खर्चा कर सकती है, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खर्चा कर सकती है, देन व्हाई नॉट ऑन इलेक्शंस विच इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इलेक्शंस तो करवाने ही है। अगर हम वैसे भी इसका निकालें प्रॉपर इसकी परसेंटेज एवरेज, तो एक एक वोटर का खर्चा 500 रुपीज ही आता है। तो 500 रुपीज की कोई वैल्यू नहीं है बिफोर अवर सिविल लिबर्टीज, क्योंकि इलेक्शंस ही नहीं होएंगी तो सिटीजन्स को सिविल लिबर्टीज ही नहीं मिलेंगी। गवर्नमेंट तो डिक्टेटोरियल बन जाएगी, वो तो कभी भी डिक्टेटोरियल बन जाएगी अगर इलेक्शंस ही नहीं होएंगे। कैंडिडेट्स लोगों की चॉइस के आएंगे नहीं। तो एक तो इलेक्शंस इंडिया में एक्सपेंसिव है, मैं ये कह रही हूँ, साथ में मैंने एक और क्वेश्चन बना दिया कि इलेक्शन एक्सपेंसिव है तो नहीं होने चाहिए। नो डाउट मैंने बोला कि इंडिया में इलेक्शंस एक्सपेंसिव है। अब इसको हमने कंट्रोल करना, हम कहेंगे कि गवर्नमेंट को इस पे कंट्रोल करना चाहिए, इतना खर्चा ना करे, ठीक है ना, कुछ कम करे खर्चा, इतना ना करे। फिर मैं कह रही हूँ इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, ध्यान रखो ये एक चैलेंज है। अब मैं कह रही हूँ नेक्स्ट इज वोटिंग 100% नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वोटर्स, वोटर्स डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट। इंडिया में वोटिंग इज नॉट 100%, अभी भी अगर हम देखें तो 80% लोग वोट डालते हैं, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 80-85 अगर होती है तो चलो, वैसे ये 70-75% जाती होती थी इंडिया में वोटिंग। अगर मैं चलो 80 लेके चलती हूँ, 80% लोगों ने वोट की, 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाली। इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर रूलिंग दे आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, वो तो ट्रू है ही नहीं, बिकॉज 20% लोगों ने तो उन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया, उन्होंने तो अपनी वोट ही नहीं डाली। हो सकता है वो वोट डालते हैं तो कैंडिडेट कोई और होते, तो कहीं ना कहीं वोटर्स भी, वोटर्स में लैक ऑफ अवेयरनेस है, वोटर्स अपने वोट की वैल्यू नहीं समझते, ठीक है। इसी को बाद में हम रेमेडीज में भी कन्वर्ट करेंगे। एक तो आना है राइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन सिस्टम, फिर आपको आ सकता है राइट द रेमेडीज, आप कैसे इसमें सुधार लाओगे, आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो जो जो मैं चैलेंज बोल रही हूँ उसी को सुधार देना ना, जैसे मैंने बोला कि वोटर्स
अवेयर नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है. आप कह देना वोटर्स शुड नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट, इलेक्शन शुड नॉट बी सो एक्सपेंसिव. ठीक है, फिर मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ द रिच है, रिच ओनली रिच कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. डायनेस्टिक सक्सेशन है हमारी कंट्री में, डायनेस्टिक सक्सेशन. मैं पार्टी के नेम नहीं बोलूंगी, ऐसे बताऊंगी कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है गिव चांस टू देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स टू कम इन पावर दो दे आर नॉट केपेबल नॉट डिजर्विंग नो नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स बट उन्हीं को चांस देती हैं. ऐसे होता है, आपने देखा भी होगा. बट हेयर वी कांट नेम द पार्टी, नेम नहीं लिखने बैठ जाना, मान नहीं बनना इतना. पॉलिटिकल पार्टीज गिव चांस टू देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स टू कम इन पावर. केपेबल कैंडिडेट्स हु हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स हु आर डिजर्विंग ऑनेस्ट दे कांट कम टू पावर ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज. उनके पास इतने रिसोर्सेज, पारिश नहीं होती, पैसा नहीं होता, तो वो लोग इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले पाते. फैमिली मेंबर्स वही सब आते हैं इसमें पावर में, तो ये भी है. मनी एंड मसल पावर मेन एम ऑफ पोलिटिकल पार्टीज टू विन द इलेक्शंस. तो वो कहीं ना कहीं रिच एंड क्रिमिनल को चांस देते हैं. रिच को इसलिए कि कल को अपने आप रिश्वत दे के वोट्स खरीद लेगा, क्रिमिनल को इसलिए कि कल को लोगों को थ्रेट करके वोट ले लेगा. तो पार्टी का तो मेन एम जीतना ही है ना, उनको होता है कि हमें तो जीतना है, चाहे कैसा भी कैंडिडेट ले आओ. तो समटाइम्स दे गिव चांस टू क्रिमिनल रिच कैंडिडेट्स. तो मनी एंड मसल पावर यूज की जाती है. तो लॉ एंड ऑफ पंजाब जब देखोगे ना, तो उसमें आपको ये प्रॉपर दिखेगा कैसे मनी एंड मसल पावर यूज होती है, कैसे वो क्रिमिनल को चांस देती है पार्टी के आप पावर में आओ, बिकॉज यू कैन विन द इलेक्शन. आप इलेक्शन जीत सकते हो क्योंकि आप लोगों को थ्रेट कर लोगे. तो एक तो ये, नेक्स्ट एक आप बताओगे कि मनी एंड मसल पावर, डायनेस्टिक सक्सेशन, वोटर्स अवेयर नहीं है, और साथ में आप बताओगे कि डिफेक्शन भी चल रही है. डिफेक्शन अभी आप इन दिनों ही देख लो, कैंडिडेट्स अपनी पार्टीज चेंज कर लेते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पार्टीज चेंज कर लेते हैं फॉर पर्सनल बेनिफिट्स और कैश रिवॉर्ड्स. तो अवर पॉलिटिशियंस दे आर इंडल्ज्ड इन डिफेक्शन, डिफेक्शन में इंडल्ज, अपनी पार्टी चेंज करी जा रहे हैं. तो ये सब कुछ गवर्नमेंट हैज पास एंटी डिफेक्शन लॉ, गवर्नमेंट ने पास कर दिया हुआ है. अब वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते, बट स्टिल डिफेक्शन इज गोइंग ऑन, डिफेक्शन डाउन गई है, खत्म नहीं हुई, अभी भी चली जा रही है. यू नो इट वेरी वेल, न्यूज सुनो तो सब कुछ आपको पता चलेगा. तो अगर मैं बोलू राइट द रेमेडीज, रेमेडीज बताओ, आप कहोगे कहीं ना कहीं, एक मिनट, आप चैलेंज में ये भी तो बता सकते हो, वोटर स्टिल कास्ट देयर वोट, कैंडिडेट स्टिल डिमांड देयर वोट इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट मांग लेते हैं अभी भी, घर घर जब कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट मांगी जाती है. तो ये आप सब, रूलिंग पार्टी ऑलवेज मिस यूज इट्स पावर्स, हमेशा याद रखना, जो पार्टी रूलिंग होती है ना ड्यूरिंग कैंपेनिंग ऑलवेज मिस यूज इट्स पावर्स. मास मीडिया उसके अंडर होता है, मोस्टली रूलिंग पार्टी अपनी पावर्स मिस यूज करती है. तो अगर हम रेमेडीज बताएंगे तो इन्हीं को सुधारोगे. तो आप कहोगे कि रूलिंग पार्टी शुड गिव चांस टू ओपोजिशन पार्टी ऑल्सो, ओपोजिशन को भी चांस इक्वल मिलना चाहिए, ओपोजिशन भी कंपेनिंग कर सके, ओपोजिशन भी मास मीडिया में अपनी पूरी बात बता सके. सब कुछ आप उसमें बताओगे रेमेडीज में. इलेक्शंस के इतने एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए, उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए. फिर आप बताओगे कैंडिडेट्स को कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगने, वोटर को वोट की वैल्यू समझनी है. ये सारी रेमेडीज हैं. एंड नॉन सीरियस कैंडिडेट शुड नॉट बी गिवन चांस, नॉन सीरियस कैंडिडेट को चांस भी ना दो, उसे पावर में ही ना लाओ. अगर ये सब कुछ होएगा, अपने आप सोचो कि इलेक्शन सिस्टम अपने आप एंड इलेक्शन कमीशन, उसे प्रॉपर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ड्यूरिंग इलेक्शंस, रिगिंग, या कोई पार्टी अगर बूथ कैप्चरिंग करती है तो उनका उनको उनकी उसको रिजल्ट उस एरिया के कैंसिल करने चाहिए. तो आपको ये सब कुछ इस वे से रेमेडीज बतानी है. दिस इज अबाउट होल स्टोरी ऑफ चैप्टर इलेक्शन सिस्टम. अब यहाँ पे मैं एक वर्ड बोलती हूँ, पार्टी सेंसरशिप. आप में पार्टी सेंसरशिप है, आप में तो नहीं होगी, अभी आप छोटे हो, आपकी वोट ही नहीं बनी, आपके पेरेंट्स में होगी पार्टी सेंसरशिप. मीन्स हो सकता है किसी बच्चे के पेरेंट्स एक पार्टी को लेके लॉयल हो, स्ट्रॉन्गली कमिटेड टू वन पार्टी, ऐसे होते हैं. हो सकता है किसी के पेरेंट्स थ्रू आउट बिगिनिंग से बीजेपी की फेवर में रहे हो, किसी के बिगनिंग से ही कांग्रेस की फेवर में हो, तो वो है उनमें पार्टी सेंसरशिप. अभी आप छोटे हो, आप में तो होगी नहीं, आप जब वोटर बन जाओगे तो आप में भी आ जाएगी. ठीक है.